हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भाव भूरिया एंड वेलकम टू आवर चैनल। न्यूज़ में देखा कि J&K में जो आर्टिकल 370 था और आर्टिकल 35A था, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया है। और स्क्रैप करने के बाद दो यूनियन टेरिटरीज बना दिए, एक है जम्मू एंड कश्मीर और एक है लद्दाख यूनियन टेरिटरी। अभी मैं लेह में हूँ, तो फिर मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं लोगों के रिएक्शंस जानूं इस बारे में। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो लेजिस्लेचर के साथ यूनियन टेरिटरी बनी है, और लद्दाख जो है वो बिना लेजिस्लेचर के यूनियन टेरिटरी बनी है। नया यूटी बनने के बाद देखते हैं कि लोगों का रिएक्शन कैसा रहता है। तो चलो गाइस, तो भाई आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम स्टैंडिन है। तो भाई क्या सोचते हो? तो ये जो अभी जो यूटी अभी लद्दाख को अलग कर दिया जम्मू कश्मीर से, तो मेन चीज़ जैसे हमारा पहले डिमांड है कि यूटी विद लेजिस्लेचर, इसमें हमारा क्वेश्चन पॉइंट है कि क्या चीज़ है, हमें लेजिस्लेचर क्यों मिली? क्योंकि हमारा मांग था ये सबसे 40-50 साल पहले से शुरू से, और जम्मू कश्मीर का मांग तो ये नहीं था कि यूटी, उनको तो स्टेट पहले से उनको डाउन कर दिया बट विद लेजिस्लेचर, तो हमें विदाउट लेजिस्लेचर। तो हमारा क्वेश्चन गवर्नमेंट से यही है कि भाई हमें लेजिस्लेचर क्यों नहीं दी? क्यों? क्योंकि हमारे लैंड को ही खतरा है यहाँ पे, तो हमें चाहिए लैंड प्रोटेक्शन। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि अगर चलो आपने यूटी दे दिया, तो आगे जाके हम सिक्स शेड्यूल के अंदर एक ट्रैवल एरिया की घोषित की जाए। तो हम नहीं चाहते जो लद्दाख अभी तक नाम है वो बाद में थोड़ा सा खराब हो जाए, तो ये लोकल को एक मांग है। बट सभी खुश है अभी, बाकी यूटी बनने से खुश है सर, यूटी बनने से खुश है, बट अगर विद लेजिस्लेचर होगा तो ठीक रहेगा। मैंने टाशी तोड़ी सर, लद्दाख में बहुत परेशान है जी। हमारे लद्दाख में जम्मू J&K में तीन किस्म के आदमी मतलब आदमी है, लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू। J&K बोलने से हमारे लद्दाख को भी बहुत परेशान होता है जी। J&K बोलने से हमारे को टूरिज्म की बारे में बहुत नुकसान होता है, क्योंकि श्रीनगर की वजह से जी। अभी हमारे को अलग थलग होने से बहुत अच्छा, हमें ये दुआ है जी, हमारे को यूनियन टी मिलने से अच्छा है जी। अभी लेजिस्लेटिव यूनियन यूटी चाहिए जी। अभी मेरे ख्याल से अभी चंडीगढ़ जैसा लद्दाख को भी यूनियन टी मिल गया, तो चंडीगढ़ जैसा हो मतलब इस होगा। मैं अब सोच रहे हैं ना, बहुत बढ़िया, बहुत अमित शाह और मोदी जी ने बहुत अच्छा किया जी, हमारे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मुबारक की बात। एक तो हमारे MP भी जमिया सिन्हा मियां भी बहुत अच्छा किया जी, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट। अभी मार्केट में आया हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक और भाई मिले, तो उनका रिएक्शन जानते हैं। तो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिक्जीन है सर। तो भाई अभी जो यूटी बनी है ये, हाँ जी सर, लद्दाख जो है, हाँ। तो सर क्या आपका क्या रिएक्शन है इसके बारे में, क्या सोचते हो आप? यूटी बन गया, लोग खुश है, और आगे क्या होगा कुछ किसी को कोई मालूम नहीं है। अगर किसी के अच्छा बोलता है, सब बोलता है कि अच्छा फैसिलिटी अच्छा मिलेगा कि J&K में, क्योंकि सीनियर जा नहीं पाएगा ऐसे कागज के लिए। हम पहले आप लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं सारे, पढ़ने के लिए जम्मू चंडीगढ़ हर जगह, अभी इधर क्योंकि कॉलेज मिलेगा, हर चीज़ इधर, यूनिवर्सिटीज आएंगी, कॉलेजेस आएंगे, तो सब कुछ इधर रहेगा, तो सबके लिए खुश है, सबके लिए अच्छा रहेगा, क्या है वो सब। नाइस नाइस, तो खुश हो सारे, है ना सारे खुश? हाँ नाइस सर, आगे क्या होगा? चलो बढ़िया बढ़िया भाई, तो थैंक यू भाई, चलो ओके। हाँ ओके, तो गाइस मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि अंकल है यहाँ पे, तो मैं कि आप इनसे मिलो, तो मैं इनसे मिलने आया हूँ। अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम रियाज अहमद है। मैं बहुत तो आप सबको शुक्रगुजार करता हूँ, ख़ासकर मोदी जी और हमेशा से, जो हमें लद्दाख को यूटी मिला, और साथ साथ मैं लद्दाख के तमाम लीडरों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो हम उम्मीद रखते हैं यूटी मिलने से हमें क्या क्या मिलना चाहिए, क्या मिलेगा, आप हमें उम्मीद है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बनेगा, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बनेगा, हमारे जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है वो इंडस्ट्रीज बनेगा, और हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट जो ख़त्म हो जाए। इसमें अभी हमें यूटी मिला, लेजिस्लेटिव वो नहीं मिला है, अगर वो मिल जाए तो इससे भी हमें अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमारा MLA का है वहाँ पर रिप्रेजेंट चले जाते, शायद हमें ये भी मिल जाए, क्योंकि ज़मीन का जो इलाका जो है ना जम्मू और कश्मीर से दोनों से ज़्यादा है, और दो बॉर्डर से हमारा टच होते हैं चाइना और पाकिस्तान। पैदा होते ही जय हिंद कहते हैं और मरेगा भी जय हिंद कहते हैं, हमारा काम यही है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, और इसका फल हमें मिला। अब हम जनाब मोदी साहब से और जनाब हमीद शाह साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज और हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज मेडिकल कॉलेज जो मिलना चाहिए वो मिलना, वहाँ सब्ज़ी अगर 10 रुपए का मिलता है फ्रेश, यहाँ 120 को हम सर्दियों में खाना पड़ता है, और हमारा सीमेंट जो है देखिए कंस्ट्रक्शन के लिए
वहाँ 350 का, यहाँ 700 में मिल रहा है, इसी तरह से हर चीज़। इसलिए हमारा एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अब हमारे जो मुश्किल जो महंगा चीज़ जो है वो ख़त्म। J&K ने हमको रख के हमको बहुत तकलीफ पहुँचाया, एक एक सीमेंट का बैग में 80 रुपये से 70 रुपये और हर चीज़ का हमें महंगा मिला, अब वो हमें आज़ादी हो गया, वो हमें मिल गया। इसलिए हम गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आखिर में मैं जय हिंद कहता हूँ, तमाम लद्दाख के आवाम को मुबारकबाद दे। तो गाइस, लद्दाख के लोगों के रिएक्शन बड़े ही शानदार रहे हैं जैसे आपने देखा, और पर्सनली मुझे लोगों से मिल के बहुत कुछ जानने को, मैक्सिमम लोग इस यूटी के डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुश हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जैसे कि हमने देखा कि थैंक्स, लोग बस थोड़ा चाहते थे कि उनको भी लेजिस्लेचर मिल जाता जैसे J&K को मिला है तो शायद थोड़ा और बेटर होता। तो बस ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और गाइस लाइक करना मत भूलना प्लीज़। तो मिलता हूँ मैं आपको अपने अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, हैव फन, एंजॉय लाइफ एंड ऑलवेज बियर ए गुड क्वालिटी हेलमेट व्हाइल यू गाइस राइड and keep this beautiful country clean guys, and watch, like and share my videos and subscribe my channel please. Thank you.